हेलो एवरीवन, कैसा का है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में, एंड जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा उससे आप इस पे बेस्ड आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को विदाउट मैकेनिज्म कर लोगे। तो कैसे, ध्यान से देखो। सबसे पहले इस रिएक्शन का रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट क्या होगा, तो वो वेरी सिंपल है। वो सारे एल्डिहाइड जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, ध्यान दें, वो सारे एल्डिहाइड जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है वो इस रिएक्शन का रिएक्टेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये एल्डिहाइड हो गया, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये फिक्स है राइट एल्डिहाइड के लिए। इधर ये कार्बन अल्फा कार्बन, इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि इन्होंने चार बॉन्ड बना रखा है, तो ये आपका शो करेगा। वैसे यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये एल्डिहाइड हो गया, इधर अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो ये भी शो करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखो ये एल्डिहाइड हो गए, ये बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है और इस पे तीनों क्लोरीन है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए ये भी शो करेंगे। यहाँ पे भी ध्यान से देखो सेम कंडीशन हो गई, यहाँ पे जो कार्बन है इस पे हाइड्रोजन नहीं है राइट, तो ये भी शो करेंगे। बट यहाँ पे ध्यान से देखो ये अल्फा कार्बन हुआ, इस पर हाइड्रोजन है, तो ये शो नहीं करेगा। तो डैट मीन्स वो सारे एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो शो करेंगे। क्लियर हो गया पॉइंट। रिएजेंट क्या लेंगे, तो वेरी सिंपल, बेसिक मीडियम आपको लेना है। बेसिक मीडियम को देने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे 50% NOH या KOH इस टाइप से लिख देगा, या कंसंट्रेटेड KOH एंड हीट का साइन गिवन होगा राइट। दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम चाहिए, ओवरऑल सॉल्यूशन बेसिक होना चाहिए राइट, और अल्डोल कंसंट्रेशन से थोड़ा सा ज़्यादा बेसिक मीडियम होना चाहिए, तो ये इसका आपका हो गया रिएजेंट। प्रोडक्ट क्या होंगे, तो वो भी वेरी सिंपल है। इसमें प्रोडक्ट जो होंगे वो अल्कोहल भी होंगे एज वेल एज कार्बोक्सिलिक एसिड भी होगा। अगर एक ही टाइप के मॉलिक्यूल हैं, एक ही टाइप के एल्डिहाइड हैं, तो सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा, इसलिए इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं। चाहे डिफरेंट टाइप के भी एल्डिहाइड हों तो भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, इसलिए ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन राइट। तो कैनिज़ारो रिएक्शन इज ए एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डैट मीन्स इसमें मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। नाउ अगर डिफरेंट एल्डिहाइड होंगे तो इन डैट केस जो मोर रिएक्टिव होगा उसको ऑक्सीडाइज करना है, डैट मीन्स उसको एसिड बना देना है, और जो लेस रिएक्टिव होंगे उसको रिड्यूस करना है, डैट मीन्स उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देना है, और ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं क्रॉस कैनिज़ारो, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। रिएक्टिविटी आप कैसे पहचानेंगे, तो वो भी वेरी सिंपल है। आपको प्लस डेल चार्ज, डैट मीन्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन पे देखना है। जितना ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बोनिल कार्बन पे होगा उतना ज़्यादा रिएक्टिविटी होगा उसका, और ये कैसे बढ़ सकता है, तो माइनस आई या माइनस एम ग्रुप लगे होंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे इन तीनों की रिएक्टिविटी का ऑर्डर, तो ये कार्बोनिल कार्बन हो गया आपके राइट, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। यहाँ पे ये बेंजीन क्या करेगा, रेजोनेंस से इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, और यहाँ पे ये प्लस एम ग्रुप है तो ये और भी रेजोनेंस करके इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, इसलिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ ट्रिक्स फॉर कैनिज़ारो रिएक्शन, तो यहाँ पे ध्यान से देखो ये एल्डिहाइड है हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, और 50% NOH बेसिक मीडियम है, तो कैनिज़ारो के लिए ये परफेक्ट कंडीशन है। तो कैसे होगा, ध्यान से देखो आपको क्या करना है, इस मॉलिक्यूल को एक बार ऑक्सीडाइज करना है। ऑक्सीडाइज करते वक्त ये जो हाइड्रोजन है H, उसको OH में कन्वर्ट कर देना है, और चूंकि बेसिक मीडियम लिया है तो इसलिए जो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन लगा हुआ है वो एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से बेस उसको खा जाएगा, तो O माइनस कर देना है, तो इसलिए ये क्या है। तो ध्यान से देखो C डबल बॉन्ड O एज इट इज रहेगा, सिर्फ H की जगह O माइनस कर देना है, एक्चुअली में OH होता बट बेसिक मीडियम होने की वजह से, अगर एसिडिफाई कर दोगे तो फिर OH कर देना है, तो एसिड आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा। दूसरा सेम मॉलिक्यूल को आपको क्या करना है, रिड्यूस। रिड्यूस करने में क्या करना है, जो कार्बोनिल कार्बन है सी डबल बॉन्ड ओ उसका पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देना है और एक एक हेच दोनों को देना है। तो ध्यान से देखो एक ऑक्सीजन को हेच मिला एक कार्बन को, तो क्या हो जाएगा, OH आ जाएगा, डैट मीन्स आपका अल्कोहल एक प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये ट्रिक का पॉइंट है। अब हम अप्लीकेशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में अगेन ये ध्यान से देखो एल्डिहाइड है हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे जो लिया है NaOH, तो NaOH का मतलब क्या, ये हाइड्रोजन का बड़ा भाई हो गया राइट, आइसोटोप, और ये D2O ये भी हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस हुआ है। तो आपको कैसे करना मालूम है, इसको ऑक्सीडाइज भी करना रिड्यूस। तो जब आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, सिंपल ये C डबल बॉन्ड O रहेगा, उस H की जगह O आ जाएगा राइट, और O पे माइनस रहेंगे बेसिक मीडियम में, तो
क्योंकि फिर वाटर डाल दिया, एसिडिफाई किया है तो आप यहाँ पे लगाएंगे तो वाटर में आप हेच नहीं है, कौन है? ड्यूटेरियम। तो यहाँ पे कौन आएगा? डी आएगा, ये ध्यान रखना। और दूसरा जो आएगा वो अल्कोहल टाइप होंगे, तो यहाँ पे भी ध्यान रखना आपको कि ये सी हो गया, ये पाई बॉन्ड को आप ब्रेक करेंगे तो ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ये ओ पे डी आएगा, ये हेच, इधर भी हेच आएगा, ये ध्यान रखना है। हेच क्यों? क्योंकि यही हाइड्रोजन हेच माइनस के फॉर्म में निकलता है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है कार्बोनिल कार्बन पे, तो इसलिए हेच ही यहाँ पे रहेगा, ये ध्यान रखना। इधर डी रहेगा क्यों? क्योंकि जो सॉल्वेंट है वो आपका डी वाला है, वाटर है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। सिमिलरली इस केस में ध्यान से देखो, NOH हीट और H3O प्लस है, डेट मीन्स एसिडिफाई कर दिया, अगेन एल्डिहाइड, नो अल्फा हाइड्रोजन है, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक बार ऑक्सीडाइज करना है। तो ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये C डबल बॉन्ड O, और चूंकि ये H प्लस दे दिया तो अब आप OH कर सकते हो, राइट, CH2OH प्लस। आपको दूसरा जो प्रोडक्ट बनाना है उसमें क्या करना पड़ेगा? ये CH2OH और इधर वो पहले से था CH2OH, राइट। अब इसको क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं कि प्रोडक्ट में क्या क्या है? तो एक एसिड ग्रुप और एक अल्कोहल ग्रुप है, इस टाइप की प्रोडक्ट है, दोनों डायोल ग्रुप है, ये भी है, दोनों कार्बोक्सिलिक हो ऐसा नहीं है, राइट। तो इस टाइप से ऑप्शन बना सकता है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऐसा मत समझे आप कि सिर्फ आपको प्रोडक्ट पूछेगा, इस प्रोडक्ट में भी वो ऑप्शन बना सकता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन ध्यान से देखो, अल्डिहाइड हो गया, बेसिक मीडियम है, अल्फा कार्बन पे, नो अल्फा हाइड्रोजन, तो ये कैनिजारो शो करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये तीन Cl को तो ऐसे ही रखना है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, O माइनस बेसिक मीडियम क्योंकि एसिडिफाई नहीं किया, प्लस आपका ये Cl तो रहेगा ही तीन, और ये कार्बन पे ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा? CH2OH, ये अल्कोहल बन जाएंगे। तो अगेन इसका नाम पूछा जा सकता है, तो यू नो अल्कोहल को प्रायोरिटी देंगे तो 1, 2, तो इसका नाम हो जाएगा 2, 2, 2 ट्राई क्लोरो, और दो कार्बन है तो इथेनॉल। तो आपको ऐसे ऑप्शन क्रिएट कर सकता है कि ये रिएक्शन हुई, चार ऑप्शन दे दिया, विच कैन बी द प्रोडक्ट, और IUPAC नेम कर दिया। तो इस टाइप से रिलेट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 में विच विल नॉट शो कैनिजारो रिएक्शन, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये जो अल्डिहाइड है इसके बगल में ये कार्बन है, sp3 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन भी, अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो ये कैनिजारो नहीं शो कर सकता क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अल्डिहाइड है हैविंग नो अल्फा हेच, राइट। तो यहाँ पे बच्चे समझते हैं कि ये हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम होने की वजह से ये हेच निकल जाएंगे और ओ पे माइनस आएगा, और ये रेजोनेंस करने की वजह से इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को बहुत ही कम कर देता है, इसलिए ध्यान रखना ये एक तरह से एक्सेप्शन भी है, ये भी आपका कैनिजारो रिएक्शन शो नहीं करेगा, जबकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है फिर भी ये नहीं करेगा, तो इम्पॉर्टेंट है ये रीज़न कि ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जो अटैच है वो एसिडिक होने की वजह से निकल जाते हैं बेसिक मीडियम में, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आता है, जो इतना ज़्यादा रेजोनेंस करता है, इतना ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है कि इस कार्बन पे जो प्लस चार्ज होता है उसको ख़त्म कर देता है ये वाया रेजोनेंस, राइट। और यहाँ पे ध्यान से देखो तो अगेन ये अल्फा कार्बन, तीनों मिथाइल है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 में इन विच केस कार्बन कार्बन बॉन्ड विल नॉट बी फॉर्म्ड, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड फॉर्म किस में नहीं होता है? तो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में होता है, राइट। सिमिलरली रीमन टिमान रिएक्शन में भी होता है, राइट। फिनॉल की रिएक्शन होती है, आपको मालूम ही है, OH की रिएक्शन आपका CHCl3 से होता है, तो आपका OH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, तो ध्यान से देखो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बनते हैं इसमें, कैनिजारो में ही नहीं बनता है क्योंकि एक ऑक्सीडाइज होते हैं, एक रिड्यूस होता है, तो वो ऑक्सीजन आता है, तो कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनते हैं, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, अल्डोल में तो बनते हैं, तो इस टाइप से पूछा जा सकता है। तो ये 5 प्रॉब्लम लेकर के हमने क्लियर किया है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नाउ ज्ञान की बात, और डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से देखो, एक होता है क्रॉस कैनिजारो, तो इसमें एक रिएक्टेंट आपका फिक्स हो गया है, फॉर्मल डिहाइड होना चाहिए, दूसरा वैसा अल्डिहाइड लेना जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, जैसा कि इस कंडीशन में हो रहा है, अगेन बेसिक मीडियम है, तो जो फॉर्मल डिहाइड होते हैं वो मोर रिएक्टिव हैं, मोर रिएक्टिव वाले MR लिख रहा हूँ मैं, मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव वाले ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, चूँकि बेसिक मीडियम क्रिएट किया है तो यहाँ पे हेच नहीं लगाएंगे, तो ये आयनिक फॉर्म में रखना है, राइट। फॉर्मिक एसिड हो गया एक तरह से, यहाँ पे फॉर्मेट आयन हो गया, और दूसरा वाले को रिड्यूस करना है, तो यू नो कि ये CH2OH अल्कोहल में आ जाएगा, तो ये आपको बना देना है। तो इसको बोलते हैं क्रॉस कैनिजारो, जब दो डिफरेंट टाइप के अल्डिहाइड हो, जिसमें से एक आपका फॉर्मल डिहाइड हो और दूसरा
ऐसा एल्डिहाइड हो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो तो क्रॉस कैनिजारो बोलेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि एक रिएक्टेंट इसमें फिक्स ही हो जाता है, फॉर्मल डिहाइड होना चाहिए, जो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे मोर रिएक्टिव होने की वजह से, दूसरा वाला रिड्यूस होगा। एक पॉइंट और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि इसको आप क्या बोलेंगे, फिनाइल बेंजीन को, राइट, और ये एक कार्बन है तो फिनाइल मिथेनॉल भी बोल सकते हैं, आईयूपैक नेम करके भी दे सकता है, तो इसलिए ध्यान रखना है। दूसरा उसी तरीके से होता है क्रॉस अल्डोल, राइट, दूसरा क्या होता है क्रॉस अल्डोल, तो इसका क्या मतलब है इसको भी समझेंगे। यहाँ पे भी दो डिफरेंट टाइप के अल्डिहाइड या कीटोन होंगे हैविंग अल्फा हेच, यहाँ पे अल्फा हेच होना चाहिए, अगेन बेसिक मीडियम होगा, तो आपको क्या करना है, एक बार ए का खुद ए के साथ अल्डोल प्रोडक्ट बनाना है, एक बार बी का खुद के बी के साथ, तो इसको बोलते हैं सेल्फ अल्डोल, राइट, एक बार ए का बी के साथ बनाना है या फिर बी का ए के साथ, तो इसको बोलते हैं क्रॉस अल्डोल। तो इसलिए हमसे पूछा जा सकता है कि ये अगर ए और बी को रिएक्ट कराया तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे अल्डोल के पॉसिबल, तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे इस केस में, चार, क्योंकि दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो आपको इसी तरीके से थिंक करना है, ए का ए के साथ, बी का बी के साथ, ए बी के साथ, बी ए के साथ, राइट। जैसे इसको मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखो, मैंने ए ले लिया आपका, ये एसिटल्डिहाइड, तो आपको बता रखा हूँ कि इस टाइप से सीडोल बॉन्ड हो सामने कर देना है, सेम इसी का दूसरा मॉलिक्यूल इससे कोलिजन कर सकता है, तो इसका दो हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन सामने कर करके वाटर बाहर कर दो, तो ये एक प्रोडक्ट मिलेंगे। वैसे ही अगर मैं ये प्रोपेनल अगर यूज करूँ तो एक का सी डबल बॉन्ड हो, दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन सामने किया, वाटर बाहर निकाला, तो ये प्रोडक्ट बन सकता है। अब ए का बी के साथ कर सकते हैं, तो आपने एसिटल्डिहाइड लिया और दूसरा प्रोपेनल का अल्फा हाइड्रोजन सामने किया तो ऐसे, और बी का ए के साथ किया तो ऐसे, तो ये टोटल फोर पॉसिबल प्रोडक्ट है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस अल्डोल। अगर इसमें किसी एक के पास अल्फा हेच नहीं होता तो नंबर ऑफ अल्डोल प्रोडक्ट क्या हो जाते, फिर कम हो जाते, तो आपको ऐसे ही थिंक करना है, ए का ए के साथ, बी का बी के साथ, दैट इज सेल्फ, और फिर क्रॉस, तो इसलिए इसका नाम रहेगा क्रॉस अल्डोल। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। अब आप इस पे बेस किसी भी प्रॉब्लम को कर सकते हो, हमने एक आइडिया दे दिया है, अब आप सारे PYQ को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।